हाय गाइस, वेलकम बैक टू एएस स्टडी ग्रुप। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम यूपी टेट में पूछे गए जीके के प्रश्न लेकर आए हैं, जो यूपी टेट का पेपर 8 जनवरी 2020 को था। ये नेवी, एमआर, एयरफोर्स, मतलब जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं सभी में पूछे जाते हैं, तो अति महत्वपूर्ण रहेंगे आने वाली परीक्षाओं के लिए। और जो लोग चैनल पर नए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारे क्षेत्रीय के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जैसे बेवर, मैनपुरी, करहल, भोगाँव, कुसमरा, किसनी, नवीगंज, और जितने भी पड़ोसी ज़िले हैं, कन्नौज, फर्रुखाबाद, इटावा, एटा, मतलब हर जगह के सब्सक्राइब कर लें स्टूडेंट्स चैनल को, जिससे कि आपको बहुत ही मदद मिलेगी आपकी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में। सबसे पहले सभी सब्सक्राइबर्सों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने दिनों में मुझे इतनी जल्दी सब्सक्राइब्स मिले हैं, और उम्मीद करता हूँ कि चैनल को आगे सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, अपने दोस्तों को बता दें कि अपने क्षेत्र का यूट्यूब चैनल चालू हो गया है, जिसमें सभी लोग पढ़ें। जितना भी मटेरियल मैं दूंगा, मेरा मेन उद्देश्य है कि नेवी, एमआर, एयरफोर्स, वाई ग्रुप, एक्स ग्रुप के लिए जो भी जीएस, जीके और इंग्लिश की क्लासेस दे दिया करूँगा, क्योंकि हम भी नेवी एयरफोर्स में जाने वाले हैं। तो सभी लोगों से यही उम्मीद है कि क्वेश्चन पढ़ें और अपना सिलेक्शन लें। और हम मैथ की जो लोग मांग कर रहे थे क्लास की, वो क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी बहुत जल्द, तो उसके लिए हमने सर से बात की है। तो थोड़ा समय दीजिएगा, आपको मैथ की क्लास भी दी जाएगी। समय देरी ना करते हुए अपने प्रश्नों को हम देखते हैं। अब पहला क्वेश्चन है मेरा, सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक के काल में हुआ था? ये वो पहला ऑप्शन है समुद्रगुप्त, दूसरा ऑप्शन है बिंदुसार, तीसरा ऑप्शन है अशोक, चौथा ऑप्शन है चंद्रगुप्त। तो मेरा सही ऑप्शन होगा चौथा, चंद्रगुप्त। पुष्यभूत राजवंश की वंशावली अधोलिखित किस राजा के नाम से प्रारंभ होती है? पहला ऑप्शन है नरवर्धन, दूसरा ऑप्शन है राज्यवर्धन, तीसरा ऑप्शन है प्रभाकर वर्धन और चौथा ऑप्शन है आदित्यवर्धन। और जिन लोगों को इन प्रश्नों के आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इसका सही ऑप्शन होगा तीसरा, प्रभाकर वर्धन। अगला क्वेश्चन हमारा है, अधोलिखित में से कौन सी ताम्रपाषाणिक ग्रामीण संस्कृत प्राचीनतम है? पहला ऑप्शन है आहार संस्कृति, दूसरा ऑप्शन है कायथा संस्कृत और तीसरा ऑप्शन है जौरवी संस्कृत, चौथा और वे है मालवा संस्कृति। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आहार संस्कृति। फिर आगे क्वेश्चन है मेरा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना के पहले समस्त उत्तरी भारत विभक्त था? पहला ऑप्शन है 10 राजतंत्र शासन में, दूसरा ऑप्शन है 2 शासन तंत्रों में, तीसरा ऑप्शन है 20 राजतंत्र शासन में और चौथा ऑप्शन है 16 महाजनपद व गणराज्यों में। तो मौर्य समाज में जो समस्त उत्तरी भारत था, वो 16 महाजनपद गणराज्यों में विभक्त था। अगला क्वेश्चन हमारा है, आरामबाग अधोलिखित किस मुगल बादशाह ने बनवाया था? पहला ऑप्शन है हुमायूं, दूसरा ऑप्शन है अकबर, तीसरा ऑप्शन है जहांगीर, चौथा ऑप्शन है बाबर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बाबर। फिर अगला क्वेश्चन है, 1916 में भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? पहला ऑप्शन है बीजी तिलक, मतलब बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, और तीसरा ऑप्शन है जी गोपाल कृष्ण गोखले और चौथा ऑप्शन है गांधी जी। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक ने। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे। ये सुमेलित करने हैं, मैच करने हैं किसने कब किसकी स्थापना की थी। तो इसमें आपको बता देता हूँ, राजा मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। अभी मैच करके दिखा रहा हूँ आपको इसकी की थी, ठीक है। विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी।
और एमजी रनाड़े ने, यानी कि गोविंद जी रनाड़े ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। तो इसमें मेरा ऑप्शन होगा चौथा, जो इस अभी दिया नहीं गया है। चौथा ऑप्शन में यहाँ क्लिक की देता हूँ, पहले थे तीसरा, उसके बाद है फर्स्ट, यहाँ देखिए, और फिर इसके बाद यहाँ ये फोर्थ रहा है, और इसके बाद सेकेंड। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा आप, पहले का हमने बोला राजा मोहन राय, ब्रह्म समाज तो हमारा तीसरा हो गया, ठीक है। विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी उन्होंने, तो ये फर्स्ट हो गया हमारा। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की, फोर्थ हो गया। और एम जे रनाड़े ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, तो हमारा सेकेंड हो गया है ये, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें फोर्थ ऑप्शन दिया नहीं, कट हो गया है। निम्नलिखित में से किसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन है कल्पना दत्त, दूसरा ऑप्शन है मैडम भीखा जी कामा, और चौथा ऑप्शन है एनी बेसेंट, सॉरी तीसरा ऑप्शन एनी बेसेंट, चौथा है प्रीतिलता वाडेकर। तो उसमें मेरा सही ऑप्शन होगा मैडम भीखा जी कामा। अगला क्वेश्चन है, अधोलिखित में से किस लेखक की पुस्तक से कश्मीर के 12वीं शताब्दी ईस्वी के इतिहास का विवरण प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है कलहर, दूसरा है बिलहर, तीसरा है जलहर, और चौथा है कालिदास। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा कलहर। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की थी? पहला ऑप्शन है बलबन, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है सिकंदर लोधी, चौथा है इल्तुतमिश। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा अलाउद्दीन खिलजी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी नदी निकलती है कहाँ से निकलती है? पहला ऑप्शन है नासिक से, और दूसरा ऑप्शन है बैतूल से, तीसरा ऑप्शन है अमरकंटक से, और चौथा ऑप्शन है महाबलेश्वर से। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा नासिक से। सुवेज नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? पहला ऑप्शन है भूमध्य सागर, अंटार्कटिक महासागर, दूसरा ऑप्शन है लाल सागर, अरब सागर, तीसरा ऑप्शन है भूमध्य सागर, लाल सागर, चौथा ऑप्शन है भूमध्य सागर, अरब सागर। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा तीसरा, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा ताप व्युत्क्रमण के लिए आदर्श स्थितियां हैं? पहला है बादल युक्त आकाश, बी ऑप्शन है इसमें शांत एवं स्थिर वायु, सी है लंबे ग्रीष्मकालीन दिन, और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर कीजिए डी ऑप्शन में, ठीक है। तो नीचे हम देखते हैं कौन कौन से हैं, थोड़ा और उसे ऊपर करता हूँ अभी, आप लोग देखिएगा। इसमें पहला ऑप्शन है केवल सी, दूसरा ऑप्शन है केवल बी व सी, तीसरा ऑप्शन है ए बी सी, चौथा ऑप्शन है केवल बी। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा केवल ए बी सी। अगला क्वेश्चन है, मेघालय का पठार विस्तार है? पहला ऑप्शन है हिमालय, दूसरा ऑप्शन है अरावली, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप पठार, चौथा ऑप्शन है तिब्बत का पठार। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा चौथा, तिब्बत का पठार। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरदन बालू का स्तूपों बालू टिब्बा के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है हिम नदी, दूसरा ऑप्शन है भूमिगत जल, तीसरा ऑप्शन है पवन, चौथा ऑप्शन है नदी। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा तीसरा होगा पवन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आगे, निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है? पहला ऑप्शन है मध्य मंडल, दूसरा ऑप्शन समताप मंडल, तीसरा ऑप्शन ताप मंडल, चौथा ऑप्शन क्षोभ मंडल। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा क्षोभ मंडल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी गर्म धारा है? नंबर एक कनाडी धारा, नंबर दो लैब्राडोर धारा, नंबर तीन क्यूरोसियो धारा, नंबर चार कुराइल धारा। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा क्यूरोसियो धारा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा परिवहन सबसे सस्ता साधन है? पहला ऑप्शन है जल परिवहन, दूसरा ऑप्शन है रेल परिवहन, सबसे और तीसरा ऑप्शन है सड़क परिवहन, चौथा ऑप्शन है वायु परिवहन। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा रेल परिवहन। रेल का सस्ता किराया है इतना किसी का नहीं आज तक। पूर्ववर्ती नदी है,
पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है गोदावरी, चौथा ऑप्शन है सतलुज। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा सतलुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के बाह्य परत को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है जलमंडल, दूसरा ऑप्शन है क्षोभमंडल, तीसरा ऑप्शन है पपड़ी क्रस्ट और चौथा स्थान है स्थलमंडल। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा तीसरा, पपड़ी क्रस्ट। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 शिखर सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए 2019 में किस देश में गए थे? पहला ऑप्शन है जर्मनी, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है इटली, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। तो इसमें सही आंसर हमारा होगा दूसरा, फ्रांस। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन 33, तीसरा ऑप्शन 34 और चौथा ऑप्शन 30। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा तीसरा, 34। लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन कब हुआ था? पहला ऑप्शन है दिसंबर 2014, दूसरा ऑप्शन है नवंबर 2015 और तीसरा ऑप्शन है दिसंबर 2015 और चौथा ऑप्शन है नवंबर 2014। तो इसमें सही ऑप्शन होगा चौथा हमारा, नवंबर 2014। 10 नवंबर 2014 को लुक ईस्ट पॉलिसी का एक्ट ईस्ट पॉलिसी में परिवर्तन किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है। पहला ऑप्शन है 10वीं अनुसूची में, दूसरा ऑप्शन 11वीं अनुसूची में, तीसरा ऑप्शन 12वीं अनुसूची में और चौथा ऑप्शन 9वीं अनुसूची में। तो इसका सही आंसर होगा 9वीं अनुसूची में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? पहला ऑप्शन है के सुब्बा राव, दूसरा ऑप्शन है के एम मुंशी और तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर बी एन राव और चौथा ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा तीसरा, डॉक्टर बी एन राव। चौथा ऑप्शन है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? पहला ऑप्शन है लोक लेखा समिति, दूसरा ऑप्शन है कार्य मंत्रणा समिति, तीसरा ऑप्शन है प्राकलन समिति और चौथा ऑप्शन सार्वजनिक उपक्रम समिति। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा प्राकलन समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में कौन सा संविधान के 73वें संशोधन में सम्मिलित है? जिला पंचायत ए बी है, क्षेत्र पंचायत सी है, ग्राम पंचायत डी है, नगर निगम। और तीसरा ऑप्शन सी ऑप्शन है ग्राम पंचायत, डी ऑप्शन है नगर निगम। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पहले ने बी सी और डी, तो बी में तो क्षेत्र पंचायत, सी है ग्राम पंचायत, डी है तो ये नहीं होगा। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा दूसरा, ए बी और सी, जिसमें जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई हैं? पहला ऑप्शन है केंद्र को, दूसरा ऑप्शन राज्य तथा केंद्र को, तीसरा ऑप्शन है स्थानीय निकायों को, चौथा ऑप्शन है राज्य को। तो इसमें सही ऑप्शन होगा राज्य तथा केंद्र को। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान में मूल कर्तव्य कब लाया गया था? पहला ऑप्शन है 1977 में, दूसरा ऑप्शन है 1978 में, तीसरा ऑप्शन है 1979 में, चौथा ऑप्शन है 1976 में। तो मेरा सही ऑप्शन होगा 1976 में। फिर है अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस पंचायती राज का गठन किस वर्ष हुआ था? पहला ऑप्शन है 1967 में, दूसरा ऑप्शन है 1969 में और तीसरा ऑप्शन है 1987 में, चौथा ऑप्शन है 1972 में। तो सही ऑप्शन होगा 2 अक्टूबर 1969 में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, पंचम सवारी ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 12, दूसरा ऑप्शन है 14, तीसरा ऑप्शन है 15, चौथा ऑप्शन है 16। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा 15। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, वंदे मातरम के देश का गान रचयिता कौन थे? वंदे मातरम किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, दूसरा ऑप्शन बंकिम चंद्र चटर्जी, तीसरा ऑप्शन अमीर खुसरो और चौथा ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा दूसरा, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर
अगला क्वेश्चन है, राग भैरव का गायन समय क्या है? पहला ऑप्शन है दोपहर, दूसरा ऑप्शन है सायंकाल, तीसरा ऑप्शन है रात्रि, चौथा चौथा ऑप्शन है प्रातःकाल। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा प्रातःकाल। सामान्य मृदा में कार्बन अनुपात नाइट्रोजन अनुपात क्या होता है? पहला ऑप्शन है 10:1, दूसरा ऑप्शन 15:1, तीसरा ऑप्शन 20:1, चौथा ऑप्शन 15:1। तो इसमें सही आंसर होगा मेरा 20:1। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट मृदा में मृदा वर्ग कणों के आपेक्षिक अनुपात को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन है मृदा संरचना, दूसरा ऑप्शन है मृदा कणाकार, तीसरा ऑप्शन है मृदा समूह, चौथा ऑप्शन है मृदा समुच्चय। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा मृदा कणाकार। अगला क्वेश्चन है, सिलाई मशीन कब भारी चलती है? पहला ऑप्शन है बेल्ट बहुत ढीला होने पर, दूसरा ऑप्शन है प्रेशर फुट में ज़्यादा दबाव लेने पर, तीसरा ऑप्शन है शटल में धागा अटक जाने पर, और चौथा ऑप्शन है तेल की कमी तथा सफाई होने पर। तो इसमें सही ऑप्शन होगा तीसरा, शटल में धागा अटक जाने पर सिलाई मशीन बहुत भारी चलती है। वृद्धा अवस्था में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्टियोपोरोसिस, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है एस्टोमलेशिया, और चौथा ऑप्शन है रिक्टेज। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ऑस्टियोपोरोसिस, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है मेरा। दूसरा ऑप्शन है हीमोग्लोबिन में प्रोटीन नामक तत्व में कौन सा है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है ग्लोबिन, तीसरा ऑप्शन है लिपोप्रोटीन, और चौथा ऑप्शन है हीम। तो इसमें सही ऑप्शन होगा ग्लोबिन। अगला क्वेश्चन, आजकल यूरोप और भारत में किस जर्मन शिक्षार्थी की योजना पद्धति प्रचलित है? पहला ऑप्शन है मॉन्टेसरी, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन, तीसरा ऑप्शन है हार्वर्ड, चौथा ऑप्शन है प्रोफेवेल। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा मॉन्टेसरी। योजना विधि आधारित है, पहला ऑप्शन सुनने पर, दूसरा ऑप्शन देखने पर, तीसरा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन करके सीखने पर। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा करके सीखने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे। संपोषणीय विकास की संकल्पना की व्याख्या सर्वप्रथम किसमें की गई थी? पहला ऑप्शन है विश्व विकास रिपोर्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट, तीसरा ऑप्शन है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रिपोर्ट, चौथा ऑप्शन है मानव विकास रिपोर्ट। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा ब्रुटलैंड कमीशन रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसे भारत का राष्ट्रीय जल जीव कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मगर, दूसरा ऑप्शन है डॉल्फिन, तीसरा ऑप्शन है कछुआ, और चौथा ऑप्शन है घड़ियाल। तो उसमें मेरा सही ऑप्शन होगा डॉल्फिन, बिल्कुल डॉल्फिन गेंगटा बिल्कुल दूसरा ऑप्शन सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? पहला ऑप्शन है 1986, दूसरा ऑप्शन है 1990, तीसरा ऑप्शन है 1980, और चौथा ऑप्शन है 1988। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, 1980। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, निम्नलिखित में से हरित प्रभाव गैस नहीं है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है मीथेन, चौथा ऑप्शन नाइट्रोजन। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? पहला ऑप्शन है कीटनाशक रसायन, दूसरा ऑप्शन है मृदा अपरदन रोकना, तीसरा ऑप्शन है जैविक खाद, और चौथा ऑप्शन है फसल चक्र। तो उसमें मेरा सही ऑप्शन होगा एक कीटनाशक रसायन। फिर अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? पहला है फॉर एवर हायर, दूसरा ऑप्शन ऑल्टियस सीटियस फोर्टियस, और तीसरा ऑप्शन यह बदलता है, और चौथा ऑप्शन है एवर अनवर्ड। तो इसमें सही ऑप्शन मेरा ऑप्शन नंबर 2 है, ऑल्टियस सेटियस फोर्टियस। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, निम्नलिखित में से कौन से अर्जुन पुरस्कार के विजेता हैं? पहला ऑप्शन है प्रदीप खोलको, दूसरा ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, तीसरा ऑप्शन है दारा सिंह, और चौथा ऑप्शन है विशेष मृगवंशी। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा नंबर 2, पुलेला गोपीचंद।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन कितने प्रकार के होते हैं? पहला है 5, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 4। तो इसमें सही ऑप्शन होगा 5। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घुटनों की शक्ति के लिए अच्छा होता है? तो पहला ऑप्शन है ब्रजासन, दूसरा ऑप्शन है ताड़ासन और तीसरा ऑप्शन है चक्रासन और चौथा ऑप्शन है सुखासन। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा चक्रासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ खोली गई थी? पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा ऑप्शन है मणिपुर सॉरी दूसरा ऑप्शन है आसाम, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश। तो इसमें मेरा सही ऑप्शन होगा मणिपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, मृदाओं के कण घनत्व का औसत मूल्य कितना होता है? पहला ऑप्शन है 2.65 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 2.75 ग्राम और तीसरा ऑप्शन है 2.85 ग्राम और चौथा ऑप्शन है 2.56 ग्राम। तो मेरा सही आंसर होगा पहला ऑप्शन नंबर 2.65 ग्राम। फिर निम्नलिखित में बाग लगाने की कौन सी विधि पहाड़ी क्षेत्रों में अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है एकांतर, दूसरा ऑप्शन समोच्च, तीसरा ऑप्शन है वर्गाकार, चौथा ऑप्शन है षट्आकार। तो उसमें मेरा सही ऑप्शन होगा समोच्च। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे, संतुलित आहार में सुरक्षात्मक पोषक तत्व तो हैं? पहला ऑप्शन है वसा, दूसरा ऑप्शन प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन विटामिन व खनिज लवण और चौथा ऑप्शन कार्बोज। तो इसमें सही ऑप्शन मेरा होगा ऑप्शन नंबर 3, विटामिन व खनिज लवण। निम्नलिखित विधियों में से किसे भोजन पकाने की सर्वोत्तम विधि कहा गया है? पहला ऑप्शन है भूनना, दूसरा ऑप्शन है तलना, तीसरा ऑप्शन है सेंकना और चौथा ऑप्शन है उबालना। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा भूनना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिप्सिन एंजाइम किस क्रिया में सहायक होता है? पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, दूसरा ऑप्शन वसा के पाचन में, तीसरा ऑप्शन है न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में, चौथा ऑप्शन है प्रोटीन के पाचन में। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा प्रोटीन के पाचन में, चौथा नंबर बिल्कुल सही होगा। फिर है चेचक के विषाणु का नाम बताइए। पहला ऑप्शन है एंट अमीबा हिस्टुला और ऑस्टिलिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिवियो कोटलेरी, तीसरा ऑप्शन है बेसिस टाइफूस और चौथा ऑप्शन है बेरेलियो वायरस। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बेरेलियो वायरस। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे, सेफर विध का प्रयोग किया जाता है? नंबर 1 है पसली की हड्डी टूटने पर, नंबर 2 सामान्य मूर्छा आ जाने पर और नंबर 3 टांग की हड्डी टूटने पर और नंबर 4 रोगी के पानी में डूबने पर। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा रोगी के पानी में डूबने पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अरहर की संकर किस्म है? पहला ऑप्शन है UPAS H 120, दूसरा है IPCH, मिसप्रिंट हुई है यहाँ पे, IPCN होता है वैसे 8, IPCN ठीक है, IPCN होगा ये क्या हुआ। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मेरा बाहर और चौथा ऑप्शन है IPCL ठीक है, तो इसमें मेरा सही होगा IPCN ठीक, ये ऑप्शन नंबर दूसरा बिल्कुल सही है IPCN 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को सोयाबीन राज्य कहा जाता है? पहला ऑप्शन राजस्थान, दूसरा ऑप्शन मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन आंध्र प्रदेश, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसमें मेरा सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन हाउस में सब्जियों को उगाने की विधि को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है वेजिटेबल फॉर्सिंग, दूसरा ऑप्शन है फ्लोटिंग गार्डनिंग और तीसरा ऑप्शन है किचन गार्डनिंग और चौथा ऑप्शन है ट्रक गार्डनिंग। इसमें ट्रक गार्डनिंग दिख नहीं रहा सही से, तो मेरा सही ऑप्शन इसमें होगा वेजिटेबल वेजिटेबल फोर्सिंग, यानी पहला ऑप्शन मेरा बिल्कुल सही होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी मित्रों को शेयर कीजिएगा और जो लोग चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। चलो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारती सेना।